चलो देखिए, लास्ट किसने अपने किया था, जो अपन ने ये किया था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का क्वेश्चन किया था। अब अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। अब आपको तो कल भी एक चीज बताई थी, आज भी अपन वही चीज करते हैं, यानी अपन डिस्कस करते हैं। उसका जो क्वेश्चन बताया था आपको, उसमें सेम पैटर्न यही रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां अपने पास में क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन क्या चेंज कर लो, -2x प्लस 5y प्लस -3z का होल स्क्वायर। मींस ए की वैल्यू कितनी है -2x, बी की वैल्यू कितनी है 5y, और सी की वैल्यू कितनी है -3z। जब अपने पास ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं अपने पास, क्या करेंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूले का ए की वैल्यू कितनी है -2x, बी की वैल्यू कितनी है 5y प्लस 2 5y, एंड सी की वैल्यू कितनी है -3z प्लस 2 -3z इंटू -2x। अब देखो 2x का होल स्क्वायर माइनस क्या है, तो माइनस है कितना देगा, ये टोटली 4x² माइनस माइनस प्लस लगेगा प्लस 25y² प्लस 9z², यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां प्लस या माइनस या प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 टू 10, 10 टू 20, 20xy सॉरी माइनस का। फिर यहां भी सिंगल माइनस, दो प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 5 टू 10, 10 थ्री 30, वाई जेड 2 थ्री 6, माइनस माइनस प्लस 2 टू 4, 4 थ्री 12, 12zx इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो बेटा आपको एक चीज बताता हूं, जैसे अपन ये क्वेश्चन करते हैं, इसको अगर वापस चेंज किया जाए अगर फॉर्मेटों से, तो आंसर क्या आ जाएगा, वापस अपने पास यही आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन अपन लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा, जो अपन पास में अपन ने कर रखा है, तो ना उसके साथ में अपने पास सैंपल बन जाए उसका, कि हाँ भाई कि अपन को फॉर्मेट का आंसर तो वापस किसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए अपन देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 16z², ये तो आ गया अपने स्टार्टिंग फॉर्मेट। देन आगे लिखते हैं प्लस 12xy माइनस 24yz प्लस, अब यहां पे प्लस या माइनस माइनस कर लेते हैं एक बार, 16xz। अब देखिए क्वेश्चन का पहला प्रारूप अपना वही बन रहा है, 6 डिजिट x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसको चेंज करने के लिए देखो अपने पास में तो फॉर्मेट बन रही है, तो वो देखो ये देख लीजिए, लिख लीजिए आप एक बार कि x² प्लस y² या abc की फॉर्मेट में लिखिए, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको चेंज कैसे करना है, ये कितना हो रहा है 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो 12xy है, एक्स वाई किसका है प्लस का। अब यहां पे एक ही फॉर्मेट बनती है, या तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, तो प्लस आ गया, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है तो ये प्लस आ गया, क्योंकि या तो एक्स और वाई नेगेटिव है, या फिर ओनली यहां पे अगर फॉर्मेट देखे जाए तो कौन नेगेटिव है, यहां पे अगर वाई नेगेटिव नहीं है, अगर ये दोनों प्लस किया तो जेड नेगेटिव है, दोनों में से एक चीज आएगी। क्योंकि भाई देखो बात सुन लो,
एक्स वाई अगर दोनों नेगेटिव आते तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंगल जेड नेगेटिव है तो जेड नेगेटिव है तो जेड से ये नेगेटिव हो जाएगा, बी सी अगर सी नेगेटिव है तो सी से बी, ये पूरी फॉर्मेट नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे भी सी मिक्स है तो ये पूरी फॉर्मेट नेगेटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। अब देखो एक्स वाई अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, नेगेटिव का वाई, और यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है एक्स। और यहाँ पे अगर दोनों को अगर नहीं ले, इनको दोनों को पॉजिटिव ले तो जेड नेगेटिव है, बस ये ध्यान रखो। तो अगर मैं देखो दोनों चीज बता रहा था, माइनस का फोर जेड अगर मैं कर लेता हूं, कितना माइनस का फोर जेड, तो मेरे पास फॉर्मेट क्या बनेगा, प्लस टू, ए की वैल्यू कितनी है 2x, बी की वैल्यू कितनी है 3y, क्लियर। प्लस वही फॉर्मूले का 2, y की वैल्यू कितनी है 3y, और z की वैल्यू कितनी है माइनस फोर जेड, प्लस टू माइनस फोर जेड इंटू 2x। अब देख लीजिए मेरी बात, मैंने जो बात कही थी आपको कि या तो दोनों ये नेगेटिव लू, अगर ये नेगेटिव नहीं ले रहा, अगर मैं थर्ड को नेगेटिव ले रहा हूं तो इस माइनस से दोनों प्लस के माइनस हो जाएगा, इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, फॉर्मेट क्या बन जाएगी वही वाली। अब एक बार लिख लीजिए उसको, क्या बन रहा है ये 2x का होल स्क्वायर, या मैं सीधा बता देता हूं आपको, देखो 4 2 जा 2 2 जा 4 4 जा 12 12x बन रहे हैं, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 yz बन रहा है, माइनस का आएगा और ये फॉर्मेट इसकी बन रही है। अब देखो कुछ भी चेंज नहीं करना, जो फॉर्मेट अपने पास होल स्क्वायर वाला डिजिट उनको लिख लिए 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर क्या आएगा, होल स्क्वायर ही आएगा, क्लियर। एक चीज नोट लेते हैं जिससे क्या है कि अपना और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मेट स्क्वायर की आ गई, माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई, ठीक है, प्लस 4 रूट 2 वाई जेड, प्लस एक्स वाई माइनस का ये माइनस कर लेते हैं, माइनस 8 एक्स जेड। अब देखिए बात वहीं पे आती है, यहां पे x या y में से एक नेगेटिव है, अगर y नेगेटिव होता तो यहां पे भी नेगेटिव आते हैं। अब ऑप्शन क्या बचता है, या तो मैं लू y और z दोनों को नेगेटिव, तो y नेगेटिव वाला है यहां पे तो उससे नेगेटिव हो जाएगा, और z नेगेटिव वाला तो इससे ये नेगेटिव, लेकिन दोनों में जो नेगेटिव है उन टर्म में कौन सी टर्म कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो अगर मैं x को कॉमन नेगेटिव ले लेता हूं मेरे पास किससे सॉल्व हो गया। अब देखो रूट टू का स्क्वायर कितना होता है 2, तो यहां से ये चीज कितने रूट टू का स्क्वायर 2 है, तो यहां पे क्या कर सकता हूं मैं रूट टू एक्स का होल स्क्वायर, किसमें नेगेटिव में, बस ये ध्यान रखिए, प्लस y का स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना आता है 8 आता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। अब मेरे पास क्वेश्चन बन गया, मैं उनको प्रॉब्लम में माइनस 2 सॉरी प्लस 2 फॉर्मूले का x की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, ये जो फॉर्मेट बन रही है तो ये कितना आ गया माइनस रूट टू एक्स, b की वैल्यू कितनी है y प्लस 2y, और a की वैल्यू इसकी कितनी है 2 रूट 2 z प्लस 2, अब 2 रूट 2 z और इसकी वैल्यू कितनी है रूट टू माइनस रूट टू एक्स, क्लियर। अब इसको देखो सोल्व करता हूं तो ये यहां से कितना आता है 2 इंटू रूट टू, 2 रूट टू एक्स वाई, 2 इंटू रूट टू रूट टू, 2 टू 4 4 रूट टू वाई जेड, एंड 2 रूट टू 2 रूट टू इंटू रूट टू, ये तो हो गया 4 4 टू 8 जेड एक्स बन गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन रहा है माइनस
रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर क्या बन रहा है, ये बन रहा है, इज योर आंसर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं जो बड़ी इजी है, उनकी फॉर्मेट को अपन बढ़ाते हैं। तो उनमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यानी सिर्फ स्क्वायर ओपन करना होता है उनका, कि होल क्यूब क्या होता है, तो होल क्यूब को ओपन करना होता है। तो जैसे किसी किसी कर लेते हैं अपन, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं 2x प्लस 1 का होल क्यूब, जो क्या होता है, अब सीधी बात है कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये तो फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। आपको दूसरी फॉर्मूला बताई थी मैंने, अगर अप्लाई करना चाहो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, इन दोनों में कोई भी अप्लाई कर दो आपकी बात सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे अप्लाई करते थे कितना आ गया, टू एक्स का होल क्यूब प्लस वन का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री इंटू टू एक्स इंटू वन का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, एट एक्स क्यूब प्लस वन प्लस थ्री इंटू फोर एक्स स्क्वायर इंटू वन है, ठीक है ना, प्लस थ्री टू जै सिक्स एक्स, एट एक्स क्यूब प्लस वन प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इज योर आंसर। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन अपने पास आते हैं। अब इनमें क्या फॉर्मेट चेंज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपन करते हैं इसी के फॉर्मेट पे, इसको रफ कर रहा हूं, सोल्व। अब क्वेश्चन दिख रहा हूं मैं, 99 का क्यूब विथ सुटेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आइडेंटिटी यूज करने से कितना हो गया, 100 माइनस 1 का क्यूब। क्लियर, अब 100 जिससे जितना इजी हो सके उतना ही कीजिएगा आप। देखो 100 की वैल्यू मतलब 10 वैल्यू या 100 का क्यूब आ गया अपने पास, तो इससे अपने पास ये इजी हो जाएगा कि जितना हो सके उतना इजी सॉल्व हो जाएगा। 100 या 10 नीचे रहती है तो उससे अपने पास जितना हो सके क्यूब करना भी इजी होता है, उसका स्क्वायर करना भी इजी होता है। ये आ गया ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बिल्कुल इजी सा। तो ये 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 माइनस 1। क्लियर, अब इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 10 लाख माइनस 1 माइनस, अब ये कितना हो गया 300 इंटू 99, माइनस 1 माइनस, अब ये आ गया 1 2, यहां तक कोई डाउट, अब ये दोनों नेगेटिव है, माइनस 29701। अब यहां पे इसको सोल्व कर लीजिए, टू नाइन सेवन जीरो वन नाइन नाइन टू जीरो सेवन नाइन, आंसर कितना आ गया आपके पास में 970299। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिनको अपन कर रहे हैं बिल्कुल इजीली है और कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अब इनके अलावा कई बार क्वेश्चन आइडेंटिटी से रिलेटेड आते हैं, कैसे रख कर दो इसको, जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास में कि x प्लस वाई का होल क्यूब प्रूव दैट है ना, सॉरी एक्स क्यूब ऐसे नहीं, ऐसे करो, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूफ करना है अपन को, ये अपन क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अपन को पता है कि अपन को क्या करना है, ये प्रूफ करना है, तो इसको यानी फॉर्मेट बनानी पड़ेगी किसी भी तरीके से, मैं ऐसा लेके आओ। तो मैं करता हूँ नेट सॉल्यूशन, अपन को पता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई, कोई डाउट यहां तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मेट को यहां से क्या कर रहा हूं, इससे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्लियर यहां तक। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई टेक आउट बाहर, अंदर क्या बच गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए x प्लस वाई तो बाहर, और ये क्या बच गया मेरे पास में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब। अब देखिए x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या 2xy ये माइनस का 3x है, बच रिमेनिंग कितना रह गया xy इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब, ये कितना आ गया, अगर टोटल फॉर्मेट देखे ये अपना प्रूफ कराना था, तो ये वापस लिख दिया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब, हेंस प्रूफ, क्लियर। ये इस तरीके के अपने पास में जो क्वेश्चन आते हैं तो इनको अपनों करना है और बताना है कि ये चीजें इनके साथ में आती है। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, जिसको आपको थोड़ा बता भी देता हूँ कि उसमें कोई प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS या RHS इक्वल टू LHS, जो भी बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं। जो आपके यानी चैप्टर के इसके एंडिंग पॉइंट पे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अब दूसरे वाले क्वेश्चन में आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, आप सारा हो जाएगा 100%। जितने भी आपके क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें पूछा था x क्यूब प्लस y क्यूब की फॉर्मेट का, उसमें पूछा जा सकता है x क्यूब माइनस y क्यूब फॉर्मेट का, तो उसमें आप x माइनस y का होल क्यूब अप्लाई करेगी, उससे आ जाएगा आंसर, 100% आएगा आंसर। अब कई बार क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट, एक तो आइडेंटिटी बता रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिए कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, अगर ये आए तो अपना इसका फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसकी आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है। तो अपना क्वेश्चन कुछ इस टाइप से इसमें कि इफ, ड्रॉप कर दो इसको, तो ये आइडेंटिटी आप देख लिया, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये प्रूफ दैट में आ जाएगा, ये सिंपलीफाई या प्रूफ दैट, तो 1 बाय 2 x प्लस y प्लस z x प्लस y का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ये मुझे बताना है इसका करके। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहले देखो बात कर रहा हूं RHS ले रहा हूं, टेकिंग RHS, अब RHS में मेरे पास क्या है 1 by 2 x plus y plus z, ठीक है, अंदर क्या है मेरे पास x square plus y square minus 2xy plus y square plus z square minus 2yz plus z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx, 1 बाई 2 x प्लस y प्लस z, अब देखिए x स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर ये रहा, कितना हो गया 2x स्क्वायर, सिमिलरली 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, क्लियर, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इसमें देखो सब में 2 है, टू टेक आउट कॉमन, 1 बाई 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टू टेक आउट कॉमन, अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आ गया, कोई डाउट यहां पे? अब ये टू मैं कहां से तो आगे लिख सकता हूं, तो वन बाई टू इंटू टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये टू से टू कट गया, अब ये फॉर्मेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये किसके इक्वल होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये क्या होगी? एल एच एस हैंस प्रूफ। बिल्कुल सिंपल सा है, अपनों क्या करना है, आरएचएस जो लिया उसको टेक किया अपन ने, उसको ओपन करके सारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी लग रही है उसमें लगा दिया, उसमें सबको सम कर दिया, टू की फॉर्मेट में टू टेक आउट कॉमन कर दिया, टू से अपने डिवाइड वाला कट गया, दोनों सब्ट्रैक्ट वो कट के हो गए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये किसके इक्वल आ गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अब कई बार ऐसे आता है, एक क्वेश्चन और है जिसमें अपन को बताना होता है कि यानी ये किसके इक्वल होता है, इफ रख कर दो इसको, ठीक है? अब देखो ऐसे कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन शो दैट या प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ये अपन को करना है। अब बिल्कुल सिंपल सा है, यहां पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये क्या, ये सॉल्यूशन भी कर रहा हूं मैं, ये क्या है, गिवन है। अब मैं क्या कर दूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले किया था, अब क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब, यह आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस सॉरी थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, इसको इक्वेशन बंद कर लो, ठीक है? ऐसे लिख दो, अप्लाई दी वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इन इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। अब वन से अप्लाई करें क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब ये क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करते हैं साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड इज योर